नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग शिक्षा से संबंधित मुद्दों का डिस्कशन कर रहे हैं इस समय, उसमें आज अगली कड़ी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति 1986 की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर यह देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थोड़ा इसी पृष्ठभूमि में परिचय वगैरह करने के बाद आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी कमियां जो हैं वो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इसकी कमियों के साथ नई शिक्षा नीति के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि, आवश्यकता क्यों, प्रावधानों की चर्चा और इसकी कमियां, ये तीन चार टॉपिक्स लेकर के हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पूरा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि, परिचय क्या है। देखिए, भारत में शिक्षा से संबंधित, स्कूली शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण एक आयोग बनाया गया 1964-66 के बीच, 64 में गठित, 66 में रिपोर्ट, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की कुछ अनुशंसाएं थीं, उन अनुशंसाओं को त्वरित रूप से, ज़्यादा नहीं, कुछ त्वरित रूप से लागू कराया गया और उन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया जाना था, जो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से गठित हुई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो 1968 में प्रस्तावित हुई, आई और इसके कुछ प्रावधान लागू भी कराए गए। ठीक है, तो 1968 में जब जो शिक्षा नीति आई थी उसकी जो सबसे प्रमुख देन है, जो उस समय लागू नहीं हो पाई थी, फिर 86 में भी उसको रखा गया, 10+2+3 का सिस्टम, 10+2+3 का सिस्टम, ये इसकी सबसे बड़ी देन थी। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, जैसे सार्वभौमिक शिक्षा को लेकर के, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा चर्चित नहीं है क्योंकि इसके बहुत से प्रावधान बिना क्रियान्वित हुए ऐसे ही पड़े रह गए, जिनको बाद में शामिल किया गया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है, तो ये लाया गया। थोड़ी सी इतनी बात करने के बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब आई, क्या कैसे, उसका जो परिचय है 86 का, तो परिचय देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सबसे पहले जनवरी 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की घोषणा की गई। 1968 में इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी लाई थी पहली वाली, ठीक है ना, उसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, नियोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद 1985 में ही एक शिक्षा की चुनौती नामक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न प्रावधानों की चर्चा प्रश्नों के तौर पर की गई। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे प्रश्न बनाए गए जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उत्तरित किया जाना था या उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना था। केंद्रीय स्तर पर इसको सलाहकार समिति के, केंद्र सरकार के केंद्रीय सलाहकार समिति के पास रखा गया। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मई 1986 में पारित हुई। ठीक है, पारित हो गई। इसमें कुल मिलाकर के 12 भाग
और 157 पॉइंट हैं जो स्कूली शिक्षा और शिक्षा से संबंधित हैं। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित किया गया और संशोधन के बाद कई चीज़ें इसमें जोड़ी गई। फिर इसके बाद कुछ छोटे मोटे संशोधन 1996 में हुए। तो इतनी चीज़ें इसकी भूमिका में करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी तो 1986 में 1986 में नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, दोबारा या दूसरी शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों। आवश्यकता क्यों, पहली बात, जो 1968 की शिक्षा नीति थी वो पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसके अधिकांश प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव रहे आए, परिणित नहीं हो पाए। ठीक है, तो जब नहीं हो पाया, इनके प्रस्तावों को लागू करा पाना संभव नहीं हो पाया, तो एक नए सिरे से विचार किया जाना जरूरी था। ठीक है, दूसरी बात इसी के संदर्भ में कि इसके प्रस्ताव क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाए। ठीक है, तो जब हम लोग विचार करते हैं कि प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो पाए, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि योजना तो थी लेकिन इसकी कोई पक्की योजना नहीं थी कि कब तक कौन इसको क्रियान्वित कराएगा। अर्थात इसमें जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं थी, समय जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं थी, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व कह सकते हैं स्पष्ट नहीं थी, समय सीमा की कोई बात नहीं की गई थी कि कब तक इन प्रावधानों को लागू करा लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी कमी रही वो ये थी कि वित्तीय सहायता, वित्तीय संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई थी या व्यवस्था के बारे में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। परिणाम स्वरूप यह शिक्षा नीति विभिन्न वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने, शिक्षा के स्तर को सुधारने और संसाधनों को जुटाने में सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो जिसके चलते हमें नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान के तीसरी बात है, वर्तमान के आवश्यकता जो 1986 की आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुरूप इसमें बहुत सारे प्रावधान नहीं थे, अर्थात वो प्रावधान अब अपडेट करने की ज़रूरत थी। अगला प्रावधान है कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनके प्रावधानों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रावधानों में जो प्रावधान बनाए गए उनके कुछ मूल निर्धारित किए गए। मूल क्या था कि हम शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और लक्ष्य रखा गया क्या, 1986 की जो पॉलिसी थी उसका लक्ष्य था शिक्षा का ऐसा नियोजन करना, शिक्षा का ऐसा नियोजन जिसमें उत्पादकता हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, राष्ट्रीय एकीकरण हो, है ना, आधुनिकीकरण हो, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले, परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित हो सके, इन सारे लक्ष्यों के उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति के प्रावधान व्यवस्थित किए गए। तो आइए कुछ प्रावधानों की चर्चा हम लोग करते हैं कि कौन कौन से प्रावधान थे। पहला प्रावधान ये था जो 1968 की नीति से ले लिया गया था, 10+2+3 का पैटर्न। मतलब जब बच्चा प्रारंभ में पढ़ना शुरू करेगा तो कक्षा एक से लेकर के दसवीं तक पढ़ेगा, फिर ग्यारहवीं और बारहवीं पढ़ेगा,
टू, और उसके बाद 3 साल की डिग्री हासिल करेगा, 3 साल की डिग्री ग्रेजुएशन हासिल करेगा। इसको उपाधि कहते हैं, उपाधि की शिक्षा। तो पहले तो प्रारंभिक शिक्षा होगी 10 तक, फिर 11-12 उच्चतर शिक्षा होगी, और फिर 3 साल की उच्च शिक्षा का प्रावधान 1986 की नीति में लाया गया, जो कि यथावत 1968 की नीति से ले लिया गया था। 10वीं तक की शिक्षा को भी 3 भागों में तोड़ा गया, 5, 3, 2, अर्थात प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है, मतलब कक्षा 5 तक, फिर 8 तक, फिर 10वीं तक। तो इस प्रकार से 10+2+3 की जो पॉलिसी थी वो 1986 की पॉलिसी थी। दूसरा ये कहा गया कि जो ये 10 साल की प्रारंभिक शिक्षा है, 10 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरे भारत में एक समान होनी चाहिए, पूरे भारत में एक समान होनी चाहिए, अर्थात जो समान शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया वो भी इसी पॉलिसी के तहत लाया गया, एक साथ एक सिलेबस के साथ पढ़ाई की जानी चाहिए। हालांकि इसमें लचीलापन रखा गया कि राज्य कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अपने सांस्कृतिक वैल्यू की, अपने ऐतिहासिक वैल्यू की भी उसमें इनपुट दे सकते हैं, पर एक समान शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र, अखंडता, एकता को शिक्षा के माध्यम से सुनिश्चित कराना। इसीलिए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें शामिल की गईं। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू कराया गया, मतलब वो तत्व जो राष्ट्रीय महत्व के हैं वो पूरे भारत के छात्र 10वीं तक पढ़ें, ठीक है, ये इसकी विशेष बात थी। तीसरा शिक्षा के समान अवसर पर बल दिया गया, खासकर जो उच्च और तकनीकी शिक्षा है, उच्च और तकनीकी शिक्षा, उसके समान अवसर पर जोर दिया गया। इसी के साथ साथ जब बात की गई उच्च शिक्षा के समान अवसर की, तो इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो शिक्षा से कटे हुए थे, चाहे वो विद्यालय त्यागने वाले छात्र हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, प्रौढ़ शिक्षा मतलब 40-45 साल वाले, ठीक है, चाहे वो गृहिणी स्त्रियां हों, चाहे वो श्रमिक हों, सबको शामिल किया गया, और यह कहा गया कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, कभी भी कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है, ये प्रमुख बात थी। चौथा, इसमें उच्च शिक्षा के लिए UGC आयोग का गठन किया गया, मतलब एक ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड बात है। UGC का गठन करने का मतलब UGC के गठन और जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा परिषद जो विभिन्न प्रकार के हैं, आगे हम लोग देखेंगे, उन शिक्षा परिषद को मजबूत और सुदृढ़ बनाने की बात कही गई, ठीक है। पांचवा, इसमें जो उपेक्षित है, उपेक्षित वर्ग हैं, उन तक शिक्षा को पहुंचाने का विशेष प्रावधान रखा गया, उपेक्षित वर्गों को शिक्षा देने की विशेष बात कही गई, और ये स्पष्ट किया गया कि 5 उपेक्षित वर्ग हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनको भी टारगेट किया जाना चाहिए। उसमें से सबसे पहले महिलाओं को रखा गया, दूसरे नंबर पे SC ST, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे विकलांग, पांचवें नंबर पे अल्पसंख्यक, विकलांग, अल्पसंख्यक, ये 5 कमज़ोर वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, जिनको शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, शिक्षा के साथ शिक्षा जिन तक पहुंचाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो अगला प्रावधान है वो समयबद्धता, यह सुनिश्चित किया गया कि 1995 तक सब तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचा देंगे, मतलब इसमें जो 1968 में कमी थी कि उसमें कोई टारगेट फिक्स नहीं किया गया था, तो इसमें कहा गया कि 1995 तक जो है तो सबको प्रारंभिक शिक्षा पहुंचा, मतलब सब तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो सब तक पहुँचा दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो
नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल जा करके, उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान भी इसी में किया गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान किया गया और उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएँ चलाई गई। ठीक है, अगला प्रावधान है इसका 7वां नंबर कि प्राइमरी स्तर पर अनिवार्य रूप से पूरे भारत में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, पर्यावरण और योग शिक्षा देने की बात की गई है। ये पूरे नेशनल लेवल पर होना ही चाहिए, मतलब बेसिक स्तर पर गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण और योग शिक्षा को इनपुट किया गया। ठीक है, अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। अगला प्रावधान, अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई और कहा गया कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने चाहिए और इन प्रशिक्षण केंद्रों का नाम डाइट रखा गया। तो जो डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो जो ये जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, ये 1986 के शिक्षा नीति के तहत ही की गई। ठीक है, अगला प्रावधान, शिक्षा प्रबंधन पर जोर दिया गया। शिक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अपनाई गई वो था विकेंद्रीकरण। शिक्षा को निजी स्तर पर लाया गया, शिक्षा को स्वायत्त बनाया गया और शिक्षा के संदर्भ में पंचायतों को, राज्यों को निर्णय लेने की विशेष छूट प्राप्त हुई। ठीक है ना, इसका जो अगला प्रावधान है वो है कि जो राष्ट्रीय आय है उसका कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च हो, ये बात भी इस पे रखी गई और इस कहा गया कि केंद्र अपने बजट का 10% और राज्य अपने बजट का 30% शिक्षा पर खर्च करें, ये बात इसमें रखी गई। ठीक है, ये प्रावधान भी 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था। ठीक है, फिर कहा गया कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए, क्या किया गया क्या नहीं किया गया इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रावधान हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी शिक्षा नीति के तहत ही 23 कार्यबल कार्यदल गठित किए गए जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित शोध कर रहे थे और शिक्षा से संबंधित बहुत सारे नए विचार भी दे रहे थे। 23 कार्यदल जो भाषा से संबंधित थे, अनुसूचित जाति से संबंधित थे, अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे, अल्पसंख्यक से संबंधित थे, उनके बारे में विशेष डाटा प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस आधार पर 1986 की शिक्षा नीति 1987-88 में पहली बार लागू की गई। ठीक है, और उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार ही देश की शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाता रहा। 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया, संशोधन इन्हीं प्रावधानों में इनपुट हैं। कुछ छोटे मोटे संशोधन 1996 में भी किए गए पर ये शिक्षा नीति बनी रही। अभी तक 2019 तक इसी शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। 2019 में एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अभी लागू नहीं की गई है। वो शिक्षा नीति की क्लास हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।